दीपावली का पर्व तब और खास बन जाता है जब सकारात्मक नवाचार सामने आते हैं। कुछ ऐसा ही खास हुआ सतना के केंद्रीय जेल में, जहां दीपावली के उत्साह को नया रंग दिया गया। देखिए IBC 24 की ये स्पेशल रिपोर्ट दीपावली पर। केंद्रीय जेल सतना। अक्सर जेल शब्द सुनते ही हमारे मन में डर का भाव आने लगता है, लेकिन डरिए मत, क्योंकि सतना की जेल में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके चेहरे पर रौनक ला देगा, भक्ति की उमंग ला देगा। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की ये मूर्तियाँ दिवाली में हमारी आस्था को नया रंग देती हैं। भक्ति के भाव संग हमें एकाकार करती है। यहाँ कोई हाथ में कूची लिए हुए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों को रंग रहा है, तो कोई दीपावली के लिए रंग बिरंगे दियों को आकार दे रहा है। और ये सब हो रहा है केंद्रीय जेल सतना में, जहाँ रंग ला रही है जेल की बंदियों को दी जा रही मूर्तिकला की ट्रेनिंग। जेल में मैं 5 साल से हूँ जी, और जेल में यही सब मूर्ति का काम सीख रहे हैं, और 1 वर्ष हो गया सीखते हुए। और रूपेंद्र वैकुंठ मिश्रा थे, उन्हीं के जरिए ये सब काम सीखे हैं। और कौन थी ये बंदी थी? अच्छा। जो रिहा होकर चले गए। कारागार में बंदियों के हाथों से बन रही मूर्तियाँ और दिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। मूर्तियों और दीपों को बनाने में ऐसी कोई चीज नहीं अपनाई जा रही है जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो। और सतना जेल में ये मुहिम इसलिए रंग ला रही है क्योंकि 6 महीने पहले राज्य सरकार ने जेल में मूर्ति कला के प्रशिक्षण को मान्यता दी थी। बहुत अच्छी कला सीख लिए हैं जेल में रह के। जो हमारे जेल आने का समय जो जेल में बिता रहे हैं, वो हमारा समय व्यर्थ नहीं गया। जेल से जब छूट कर जाएंगे तो यही अपना काम करेंगे, रोजगार करेंगे और इसी में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जेल के अंदर बन रही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियां और दीप केवल जेल प्रशासन के स्टाफ के लिए नहीं बल्कि आम जनमानस के लिए भी उपलब्ध होंगी, और जेल प्रशासन की मुहिम लगातार जारी रखेगा। केंद्रीय जेल सतना में जो भी बंदी हैं, जो मूर्ति कला में प्रशिक्षण ले रहे हैं और जो प्रशिक्षित हैं, उनके द्वारा जो लक्ष्मी जी की और गणेश जी की प्रतिमा बनाई जा रही है और साथ ही दियों का निर्माण भी किया गया है बंदियों ने। स्टाफ के लोग लेते हैं, साथ ही अगर आम पब्लिक अगर लेना चाहे तो उनका भी स्वागत है, वो भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। खुशियाँ कहीं से भी मिले, जो लोगों की जिंदगी में रौनक लाए उनका स्वागत कीजिए। सतना जेल में बंदियों के हाथों बन रही इको फ्रेंडली मूर्ति और दिए एक नई उम्मीद है सकारात्मकता की, जिद, जुनून और जज्बे को साकार करने की। मृदुल पांडे, IBC 24, सतना।